16 साल हो गया। हाँ। पुणे के विमान नगर में और यहाँ पे है 7 सिस्टर्स मोमोज और एक डिश है थुपका राइट। और प्रॉन्स में इतने सारा मेन्यू है लोगों के लिए भी वही सबसे बनाते हैं। मोमोज कंसेप्ट विमान नगर में ये लोग ही पहले लेके आए। तो पहले सूप पी के फिर नूडल्स खा सकते हो या फिर ठंडी में बेस्ट रहता है। okay. सर्दी के लिए भी बेस्ट रहता है। सॉस है ऑनियन और ये टेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स एंड विल लाइक दिस मोमो सो मच। आई लाइक रेड वन और ये एक वाला है। इनका मोमोज आप ही देख रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए मैं पहली बार मैं ट्राई करने जा रहा हूँ अपना व्हीट कोटिंग वाला। okay. तो, हाँ चटनी भी कौन सा पसंद है वो भी। सो गाइज आज ना मेरा पर्सनल फेवरेट मोमोज जहाँ पे मैं हमेशा मोमोज ट्राई करता हूँ और मतलब अभी से नहीं पिछले 10-12 सालों से तो वहाँ पे मैं आज आया हूँ। मैं हूँ अभी पुणे के विमान नगर में और यहाँ पे है 7 सिस्टर्स मोमोज और उनका अभी होटल का नाम चेंज हुआ है वो है सुखिम। तो यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं पुणे के बेस्ट मोमोज और इनकी कुछ 3 से 4 चटनियाँ हैं जो आपको पुणे में कहीं नहीं मिलेगी। एंड बेस्ट पार्ट ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक सीरीज़ करूँगा जिसमें मेरे पर्सनल फेवरेट फूड जो मैं हमेशा टू गो प्लेसेस होते हैं मेरे तो वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ तो उसमें से एक है 7 सिस्टर मोमोज। तो यहाँ पे मैं आया हूँ। चलो अंदर जाते हैं। इनका जो नाम है इसके पीछे भी एक कहानी है तो वो कहानी भी बताऊँगा और एक डिश है थुपका जो कि आपको पूरे पुणे में नहीं मिलेगी। ये पूरा सस्पेंस होने वाला है क्योंकि जैसे उस डिश का नाम है वैसी वो डिश भी होने वाली है। चलो चलते हैं अंदर। हाय अश्नदी। सो गाइस मीट द ओनर अश्नदी। कैसे हो? बढ़िया। कैसे हो? नाइस टू मीट यू। तो आपका फेवरेट कस्टमर वापस आ गया। हाँ। तो गाइस जैसे मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पे बहुत सालों से आता हूँ तो कितना 10 साल हो गए? ज्यादा हो गया। और आपके शॉप को कितना साल हो गया? 16 साल हो गया। 16 साल? हाँ। क्या बात है। और अभी बस लोकेशन चेंज हुआ कितने मतलब कितने महीने? 7 महीना हो गया लोकेशन चेंज को। ओके पहले कहां पे था? एक्चुअली पीएनजी ज्वेलरी के सामने था आईबी पॉइंट के सामने। राइट। तो ये सामने है पीएनजी विमान नगर का अभी बर्गरिटा के बाजू में है। हाँ। 7 सीटर। हाँ। 16 सालों से विमान नगर में। हाँ। एक्चुअली हमने नेम चेंज कर दिया है अभी। ओके, हाँ। 7 सीटर से सुखिम रख दिया है। ओके। क्योंकि ऑनलाइन में 2 जगह होने से प्रॉब्लम हो रही थी। राइट। इसीलिए ऑनलाइन नेम चेंज है। ओके। बाकी सब एक ही टेस्ट वगैरह फूड में बनाती हूँ। राइट। ठीक है। प्लेस के साथ साथ नेम भी चेंज हो गया है। ओके। तो ऑनलाइन में हमारा सुखिम करके आएगा। राइट। तो बट सुखिम ये नाम जैसे 7 सिस्टर्स मुझे पता है कि नॉर्थ ईस्ट में काफी फेमस है। हाँ। एंड वाटरफॉल भी एक है। हाँ, वाटरफॉल है। सुखिम का नाम मतलब क्या? सुखिम एक्चुअली गैंगटॉक को बोलते हैं। इंडिया के अंदर स्टेट है ये। एक्चुअली इंडिया के अंदर है बट अलग स्टेट है। ओके। ठीक है। राइट। तो इसको सुखिम बोलते हैं तो हमारे लैंग्वेज में ये हो जाता। मैंने जैसे जगह भी चेंज करना पड़ा है ना। राइट। उसके हिसाब से नेम भी चेंज करना पड़ा तो मैंने ये नेम चुना। और 7 सिस्टर से रिलेटेड है हमारे लैंग्वेज में न्यू प्लेस तो हाँ, इसका सुखिम। हाँ। बट एक बात है मेरे को अभी यहाँ पे आपने बहुत अच्छा कर दिया कि जी सिटिंग कर दिया। हाँ, हाँ। और मतलब मोमोज का अलग और इस तरफ क्या? हाँ, इधर चाइनीज है। ओके। इस तरफ। हाँ। ओके। तो मतलब चाइनीज भी चाइनीज में ये मीनू है। ओके। ठीक है हमारा। राइट। वेज नॉन वेज दोनों है। प्रॉन्स में है चिकन। okay. में है ना वेज। right. में है। okay. सॉसेस में भी है। okay. ठीक है। प्रॉन्स भी चालू कर दिया। हाँ। मतलब पहले वहाँ पे मेरे को लग रहा है सिर्फ मोमोज था। हाँ, वहाँ पे सिर्फ मोमोज और सूप था। यहाँ okay. पे सब अवेलेबल है। okay. सूप yes. भी है मोमोज भी है स्टार्टर है मेन okay. कोर्स भी है ना। राइट। और प्रॉन्स में इतने सारा मेन्यू है। हाँ, प्रॉन्स का भी है। मेन कोर्स जो चाहिए वो अवेलेबल है चाइनीज में। और नॉर्थ ईस्ट का एक डिश डाली हूँ मैंने थुप्पा करके वो okay. सूपी लूडस बोलते हैं। okay. हमारा उधर का जैसे मोमोज फेमस है। right. उसी तरह ये थुप्पा भी फेमस है। तो यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा। मतलब गाइस जो भी अगर मेरा वीडियो देख रहा है और नॉर्थ ईस्ट से है तो आपके लिए ये एक टेम्पटिंग डिश है जो आप सबको पता होगी नॉर्थ ईस्ट से जो देख रहे हैं। बट पुणे वाले जो देख रहे हैं यहाँ पे आके ट्राई करो। आज मैं देखता हूँ आज अवेलेबल रहेगा वो। हाँ, सब अवेलेबल पर डे रहता है एवरीथिंग अवेलेबल। तो आज अपन ट्राई करके देखते हैं थुपका कैसे है। और इनके मोमोज तो फेमस ही आपको भी दिखाता हूँ क्योंकि मैं पर्सनल फेवरेट चीज़ें आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। तो एंड तक देखना बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। तो विवेक भाई क्या ट्राई करना है आज? तो भाई थुपका ही ट्राई करेंगे क्योंकि इनका ऑथेंटिक डिश है। okay. मोमोज तो हम लोग बहुत जगह पे खा चुके हैं। आई नो दिस वन इज माई फेवरेट दो बट यस इस बार तो थुपका पहले ट्राई करेंगे। मोमोज उसके बाद अगर जगह बचती है। नहीं भाई बिना मोमोज के यहाँ से तो मोमोज भी खाएंगे बट उसके पहले थुपका। आशना जी किचन में आ जाओ।
डायरेक्ट आ जाओ, चलेगा? ओके, तो इनका किचन देखिए, कटिंग चालू है, बेस्ट एकदम। अरे वाह, होता है बाल सबने पहना है तो मुझे भी पहनना पड़ा, तो जा रहा हूँ इनके किचन में, आपको दिखाता हूँ थुपका कैसे बनता है। ओके, तो थुपका बना रहे राइट जी, उसमें वेज आता है नॉन वेज आता है? वेज नॉन वेज दोनों आता है। ओके, और स्पेशलिटी कौन सा है दोनों? दोनों एक्चुअली वेज खाने वालों के लिए भी वही हिसाब से बनाते हैं और नॉन वेज खाने वालों के लिए भी। ओके, तो टेस्ट एक ही आता है, वेज और नॉन वेज का ही डिफरेंट रहता है। ओके, तो हम ट्राई कर रहे हैं नॉन वेज। नॉन वेज राइट, क्या बोलते हैं, वेनेसडे बनता है नॉन वेज। अभी ये जो हम बना रहे हैं नॉन वेज में बना रहे हैं, वेज वाला भी सेम होता है? वेज वाला भी सेम होता है, टेस्ट सेम रहेगा, वेज में वेजिटेबल रहेगा, नॉन वेज में चिकन रहता है और एक ऐड होता है उसमें, ठीक है? ओके, तो वेज नॉन वेज खाने के लिए टेस्ट वगैरह सब सही रहेगा, वेज में वेजिटेबल डालते हैं और नॉन वेज में चिकन और एक आता है, एक आता है। और उसमें आपने बोला कि ये मसाले जो है आपके सेम है? मसाला हम लोग खुद बनाते हैं थुपका के लिए, अलग से रॉ मटेरियल लेके बना के फिर उसमें ऐड करते हैं। तो ये थोड़ा सा सूपी रहेगा? हाँ, सूपी रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए बेस्ट? नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए बेस्ट, ठंडी में बेस्ट रहता है, सर्दी के लिए भी बेस्ट रहता है। अगर मैं आज ट्राई कर रहा हूँ पसंद है तो मैं भी हमेशा आऊंगा, ठंडी तो बढ़ गया पुणे में राइट। तो आप देखो यहाँ पे बन रहा है थुपका, तो ऐसे सूपी में रहेगा। और बेस्ट पार्ट ना, इनके पास जो भी मटेरियल यूज होता है आप देखो सब यहाँ पे रखा हुआ है, एकदम बेस्ट क्वालिटी में अवेलेबल है। सो गाइस, ऑथेंटिक नॉर्थ ईस्ट डिश थुपका इज रेडी। और ये ऐसा मतलब इतना बड़ा क्वांटिटी होता है उसमें? हाँ। और ये स्पेशलिटी है नॉर्थ ईस्ट? हाँ। कितने में आएगा ये? ये 199। तो आप देखो उसमें सॉसेस भी है विद फेवरेट ओनियन, थुपका है सॉस है ऑनियन, और ये टेस्ट होता है, और जिसको स्पाइसी खाना है तो सॉस ऐड करके खा सकते हैं। ओके, एज पर द चॉइस स्पाइसनेस हो सकता है, ये मीडियम स्पाइसी रहता है। ओके, इसीलिए जिसको खाना है तो ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करें थुपका, तो सर थे हमारे साथ, तो सर को बोला आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, फिर मैं भी ट्राई करके आपको बताऊंगा। ये जो डिश है थुपका, ये आई थिंक नॉर्थ ईस्ट का एक फेमस डिश है, और मैंने विमान नगर में इन्हीं के इसी शॉप में खाया है। और इसमें बेसिकली चिकन वेज नॉन वेज दो वैरायटी में आता है ये। और इसमें सूप और एक नूडल्स का कॉम्बिनेशन है, ये स्पाइसी। इसमें दो तीन वेरियंट्स आते हैं शायद, स्पाइसी मीडियम और लोअर आते हैं, बट एक मीडियम स्पाइसी काफ़ी अच्छा रहता है। और जैसे बच्चे घर में खाते हो मैगी के साथ, वो काफ़ी पानी के साथ खाना पसंद करते हैं, तो सेम ये डिश उसका एक वेरिएंट है। और ये काफ़ी डिलीशियस है, और मेरे ख्याल से ये शायद इसी शॉप में मिलता है, और कहीं मैंने ट्राई नहीं किया। और स्पेशली इनके मोमोज भी काफ़ी फेमस है, उसमें खासियत क्या है कि इसका आउटर क्रस्ट काफ़ी थिन है और स्टफिंग काफ़ी अच्छा है। जनरली आप कई जगह पे मोमोज लेते हैं तो उसमें काफ़ी आउटर क्रस्ट काफ़ी थिक रहता है और अंदर स्टफिंग नहीं रहता, थोड़ा एयर जैसा दिखता है, बट इनका क्या फिलिंग्स काफ़ी रहते हैं। तो अगर आप जैसे बाहर चार मोमो खा रहे हो, इनका दो मोमो खाए हैं तो भी काफ़ी है। स्पेशली मुझे बच्चे के लिए जब मैं लेना लेता हूँ तो मैं स्ट्रिक्टली वाइफ को बोलता हूँ इसी शॉप से लो, क्योंकि यही मेरे लिए एक रिलायबल। और ये मोमोस वोमोस ये कंसेप्ट विमान नगर में ये लोग ही पहले लेके आए, मैंने देखा नहीं कि और कहीं था, पहले यहाँ पे आया, इसके बाद ही मैंने फिर देखा कि ये पॉपुलराइज हो गया राइट। तो सर आप जैसे सर से बात कर रहा था मैं, तो सर भी यहाँ पे ट्राई करने आए थे, हमारा वीडियो चल रहा था, तो सर यहाँ पे सर आप पिछले कितने साल से आए? 8-10 साल सर, इनके पहले शॉप वो था स्ट्रीट साइड पे था, तो हम तब से आ रहे हैं यहाँ पे। और सब मोमोज आप जैसे बोल रहे हो कि आप यहाँ बहुत सालों से ट्राई कर रहे हो, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा वाला है? मेरा तो प्लेन चिकन ही, मतलब प्लेन चिकन है। हाँ, अभी काफ़ी वेरिएंट्स आए उसमें, अभी मैं देखा बारबेक्यू है, फ्राइड है, ये है, बट प्लेन जो चिकन है वो मेरा फेवरेट है। वेज ट्राई किया है कभी? वेज किया है, हमारा कुछ शबरीमला का फास्टिंग रहता 41 डेज का, तब हम वेज लेते हैं, तो वो भी अच्छा है, बट चिकन इज़ द बेस्ट। मेरे घर में मेरे बच्चों तो मतलब उनका है कि हफ्ते में 2-3 बार चाहिए उनको, और कुछ ही का ये नहीं है, बट मोमोज खाया तो और यहाँ का खाया तो तेरा हैप्पी। अभी हम ट्राई कर रहे हैं थुपका, इट इज़ माय फर्स्ट टाइम, लाइक मैंने इसके पहले कभी नाम भी नहीं सुना था, आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। तो ये देखिए इसमें सूप ही है, जैसे कि आप देखो सूप है, तो सूप भी ट्राई करते हैं। क्वाइट गुड, मतलब जैसे उन्होंने बोला था कि इनके कुछ स्पाइसेस है होममेड, तो उसका एक फील आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो एग्स है, नूडल्स है, चिकन है, तो पहले सूप पी के फिर नूडल्स खा सकते हो या फिर जो भी है, बट मैं इसको नूडल्स भी ट्राई करके आपको बताता हूँ। ब्रोकली वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, टू गुड, मतलब मस्ट ट्राई।
और रेट भी काफ़ी सस्ता है, लाइक 199 में नॉन वेज है, वेज आपको मिलेगा 169 में। तो और भी इनके मोमोज है जो मेरे फेवरेट है और विवेक के फेवरेट है, आपको थोड़ी देर में पता चलने वाले हैं। सो हमारा भाई विवेक ट्राई कर रहा है और उसके बाद हमारे दोस्त वैभव। वाओ कैसे हो, बहुत सालों बाद मिले आज, सरप्राइजिंगली बात है। बट विवेक भाई ट्राई करके बताओ कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, एकदम टेस्टी, मतलब एकदम सूपी सूपी नूडल्स है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, एकदम देसी टेस्ट है। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू इवन ट्राई वंस एटलीस्ट फॉर दिस। तो मैम अभी मोमोज में अपने कितनी वैरायटीज रहेंगी? 24 वैरायटी। 24 मतलब वेज में कितने रहेंगे उसमें? वेज 12, नॉन वेज 12। ओके, तो नॉन वेज में अपने पास तंदूर, वो अलग से भी है? हां वो अलग से है वैरायटी, और नॉन वेज में भी है, वेज में भी है तंदूर। जैसे आपने बोला कि अभी वेज में आपके पास पनीर भी है, सबसे ज्यादा कौन सा वाला फेवरेट है आपको? सबसे ज्यादा अभी यहाँ पे पनीर है, वेज सोया है, ठीक है, जिसको जो पसंद है वो खाते है, और जिसको सोया सबसे पसंद है, सोयाबीन चंक्स, तो वो तो खाते ही रेगुलर कस्टमर। राइट। और चिकन या मटन सबसे ज्यादा कौन सा रहता है? चिकन मटन में भी अलग अलग है, जैसे जिनको जो मीट अच्छा लगता है, ठीक है, अभी वेस्ट बंगाल के लोग आते हैं तो फिश ज़्यादा खाते हैं, राइट, ठीक है, और यहाँ पे मटन चिकन में चिकन ज़्यादा जाता है एक्चुअली, और जिसको पसंद है मटन तो वो लोग मटन भी खाते हैं, और फिश भी अवेलेबल। हाँ, फिश भी अवेलेबल। मेरे को लग रहा है इतना बड़ा वैरायटी पूरे पुणे में नहीं रहेगा। हाँ, और एग एंड चीज भी है। एग एंड चीज भी है? हाँ, एग का भी। कुछ इनके रेगुलर कस्टमर्स है, उनसे हम बात कर रहे थे। तो हाय मैम, हाउ यू? हेलो, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? ऑल गुड मैम। आपका नाम? पूर्वी जी। पूर्वी, आप हमेशा यहाँ पे आते हो? हाँ, मैं काफी टाइम, लाइक काफी बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, एंड आई एम फ्रॉम जबलपुर, बट हियर आई फाउंड दिस सेवन सिस्टर मोमोज, राइट। सो मुझे अभी तक का ये बेस्ट लगा, पनीर स्टीम मोमोज। पनीर स्टीम आपका फेवरेट है? यस। एंड मैम आपका? टिल डेट सेम। Same. We are best friends and we like this momo so much. Okay, dono best friend ka favorite momo same. 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 Or same place actually favorite. Okay. Haan. Right. Or same momos dono bhi. Okay. We only tried this and only like this only. Okay. So, jaise aapke yahan pe ye paneer rola aap hamesha try karte ho. अभी जैसे इनका चाइनीज स्टार्ट हुआ, वो आपने ट्राई किया कि नहीं? नहीं, अभी ट्राई तो नहीं किया है, बट इसके सामने हमें कुछ ट्राई करने को होता नहीं है, लाइक पनीर स्टीम मोमोस, सो हमने अभी तक ट्राई नहीं किया, बट डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे। ओके, और व्हाट अबाउट दिस चटनी, क्योंकि ये चटनी सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही मिलता है, अभी इन्होंने यहाँ पे भी स्टार्ट कर दिया, बट आई लाइक रेड वन ज्यादा। ग्रेट। सो गाइस, अभी पहले को सॉरी, कवर वेज। हां वेज। वेज में भी इनका मतलब टोटल 12 है, उसमें से अभी कितने, 4 दिखा रहे हैं? हाँ, ये वेज है नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल वेज। हाँ, ये नॉर्मल वेज है, और इसमें से तो हर एक, हाँ ये वेज वेज में है, पर ये बीट वाला है, बीट वाला, हाँ ठीक है, और ये है पनीर का। ओके, तो हर एक का शेप और ये भी अलग है? हाँ अलग है, तो तुरंत समझ में आ जाएगी कि ये वेज है। हाँ, सबको समझ में आता है और हमको भी इजी लगता है, राइट। हाँ, और ये सोयाबीन का है। सोयाबीन का है, ओके। हाँ, इसका भी सेप अलग है, राइट। आपको भी अगर निकलना होगा, हाँ, तो कौन सा सोया है, कौन सा, हाँ, ये है, ये पता इस तरह से, राइट है, ओके। और इसमें सॉस ऐड करते हैं हम, ठीक है, तो ये आपका पीनट वाला है ना? हाँ, ये पीनट वाला सॉस है। ओके, ये रेड सॉस है, रेड सॉसेस, राइट, और ये कोई लेते हैं कोई नहीं, ग्रीन। okay, ये ग्रीन, हाँ, right, तो ये मोस्टली तंदूर पनीर के, हाँ, हाँ, तो तंदूरी जो होता है या फिर, हाँ, तंदूरी में जाता है, राइट। सो गाइस, अभी नॉर्मल देख रहे हैं, आपका नाम क्या है? कमल। अच्छा, और आपका? तो इनको भी हाई कर देना जब भी आओगे कि स्पेशलिस्ट तंदूरी। तो अभी नॉन वेज वाले हैं ना ये? हाँ, नॉन वेज वाले हैं। तो दोनों बर्नर सेपरेट है? हाँ, सेपरेट है, सब कुछ सेपरेट है। और ये चिकन में मीट वाला है, ठीक है, और ये फिश वाला है, शेप भी अलग है इसका भी, फिश वाला भी शेप अलग है, पूरा आइडेंटिफाई हो जाता है। हाँ, ये मटन का है, मटन भी अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, और ये एक वाला है, एक वाला, हाँ, एक मोमोज भी है जो बहुत कम लोगों ने ट्राई किए होंगे, मतलब मटन भी अगर ट्राई किया होगा, फिश और एग स्पेशलिटी, और जैसे उसमें सोया चंक्स, हाँ, और ये नॉर्मल चिकन है, नॉर्मल चिकन, हाँ,
मैदा का है। वो बीट वाला था। हाँ चटनी कितना भी खाओ चटनी कितना भी खाओ फ्री है। फ्री है ओके। हाँ मोमोज में एक प्लेट में कितने आते हैं हमारे? सिक्स पीस। साइज सिक्स ये रहता है। सिक्स पीसेस। क्वांटिटी देखोगे इसका देखने से पहले मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊं। सो गाइज इनका मोमोज आप ही देख रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने इनको ट्विस्ट कर दिया। जैसे बाकी जगह पे ये सोलो होता है या फिर पूरा भरा हुआ नहीं होता, इनका स्टफिंग देखिए पूरा सुपर पैक्ड। ये वीट वाला मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे आज ही पता चला। तो मैं इसको इनके तीन अलग अलग टाइप की चटनियाँ हैं जिसके साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला वीट वाला इज़ द बेस्ट, क्योंकि बाकी मोमोज मैंने ट्राई किए हैं आज मुझे इतना पता चला कि इनके पास 24 वैराइटीज़ है। तो सोचा सारी ट्राई करना बनता है, तो मैंने एक प्लेटर टाइप बना लिया क्योंकि मैं इनको बोल रहा था कि वीडियो बना लो, जो भी अपना ऑनेस्ट रिव्यू होता है। तो दिस इज़ द बेस्ट, आप लोग भी यहाँ पे आओ ट्राई करो और बताओ। तो मेरा फेवरेट जो मैं बताने वाला था विच इज़ चिकन स्टीम मोमोज, ऑसम। मतलब इनके जैसा चिकन स्टीम मोमोज आपको पूरे पुणे में नहीं मिलेगा, और तंदूरी भी है। गाइस हमारा फूडी पर्सन विवेक भाव इज हियर। थम का नेचुरल भाई नेचुरल। अरे चालू टेम मी ये पण टाकणार। सो विवेक ये वाला वेज है, तो उनका स्टीमर अलग है भाई, तो प्लेट भी अलग ही मिलती है वेज के लिए। तो मुझको यार वीट वाला ट्राई करना है सबसे पहले, क्योंकि okay. मैंने वीट वाला इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया है। okay. इससे पहले जितने भी मैंने आज तक ट्राई किए हुए हैं वो सारे के सारे स्टीम थे, बट अलोंग विद द मैदा कोटिंग। बट ये पहली बार मैं ट्राई करने जा रहा हूँ अपना वीट कोटिंग वाला। okay. तो मुझको इसका टेस्ट पहले देखना है कि ये okay. उसके जैसा ही टेस्ट करेगा right. या कुछ डिफरेंट रहने वाला है। जैसे मैंने भी पहले वीट उठा लिया, क्योंकि यार भाई देख मतलब इसके पहले तो अपन ने ट्राई नहीं किया था। इसके पहले अपन जब भी आते थे वही देखते थे, क्योंकि ट्रेडिशनल हो गया था पहले से, अपन खा लो यही। ये अभी है कैबेज वाला okay. जो अपना रेगुलर रहता है वो वाला। जस्ट द ओनली डिफरेंस इज कि ये वाला वीट वाला है। ओके सो लेट्स सी ये कैसा टेस्ट करने वाला है। टू गुड बहुत भारी है। ओके सिमिलर टेस्ट है उसका। ओके ऐसा लगेगा नहीं आपको कि आपने कुछ और खाया हुआ है या फिर मैदे का कुछ अलग टेस्ट आ रहा है। इट्स वेरी एक्सेलेंट। और मैदे का है तो फिर बट ऑब्वियसली हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये स्पेशली जगह है। राइट तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हैं। सोया चंक्स ये यू गो। नहीं ये वो कैबेज वाला है। ये कैबेज वाला नहीं है, ये पनीर मिक्स है। पनीर मिक्स है क्या? यस पनीर मिक्स। सो लेट्स सी पनीर वाला कैसा है। एक काम करते हैं, सोया चंक्स तो ट्राई करेगा ही तो अभी या रिव्यू तो देगा ही डेफिनेटली। मेरा फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट यार मेरा नॉर्मली फेवरेट तो तंदूर रहता है, बट वेज में मैंने यहाँ पे जो ये वीट वाला ट्राई किया है ये सीरियसली बहुत अमेजिंग है। कैबेज वाला मैं कभी खाता नहीं हूँ, बट यहाँ पे कैबेज वाला बहुत टेस्टी था, तो मेरा ये फेवरेट तो वेज में डेफिनेटली है। अभी हमारा विवेक भाई ट्राई कर रहा है सोया वाला। तो भाई पहले स्टफिंग दिखा दे इसका। सोया देखो, प्योर सोया स्टफिंग फुल्ली लोडेड। जो लोग चिकन नहीं खाते ना ये उन लोगों के लिए है, एकदम हाई प्रोटीन के साथ में, और इनके पास वीट बेस भी मिलेगा तो फिर ये बेस्ट है उन लोगों के लिए जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। रेड चटनी ट्राई करता हूँ इस बार। ओके हाँ चटनी भी कौन सा पसंद है वो भी बताना इस बार। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है। यस ऑनेस्टली एक दूसरे को टेस्ट बीट कर रही है। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था कि वेज वाला ज़्यादा अच्छा है कैबेज वाला, बट ट्रस्ट मी सोयाबीन वाला इज़ नो मोर लेस, इट्स कम्पीटिंग इक्वली। क्या बात। सो गाइज हम दोनों का फेवरेट हमने बताया, विवेक भाई का फेवरेट और मेरा फेवरेट। तो इनका मेन्यू काफ़ी बड़ा है, जैसे आप देखोगे चाइनीज़ में यहाँ पे सूप्स है, स्टार्टर्स है, नूडल्स है, राइस है, मेन कोर्स है, और उसके बाद जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्रॉन्स में भी इनका मेन्यू बहुत बड़ा है। और जो हमने ट्राई किया था तुपका ऑसम, मतलब एक बंदा नहीं दो बंदे भी खाएंगे ना पेट भर जाएगा, इतना बड़ा इनका क्वांटिटी। क्या बोलता भाई? सही बात है यार, हम लोग तो ख़त्म करते करते थक गए थे, फाइनली हमको थोड़ा सा पोर्शन छोड़ना ही पड़ा, छोड़ना क्योंकि नहीं हो पा रहा था यार, सीरियसली नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया बट नहीं, हम लोगों से तो नहीं हो पाया, दोनों से मिलके एक डिश खत्म नहीं हो पाई है। अगर आप खत्म कर पाते हो तो कमेंट करके बताना, और गारंटी दे रहा हूँ गाइस पेड रिव्यू नहीं है। आप यहाँ पे आओ मोमोज ट्राई करके देखो और मेरे को बताना कौन सा आपको पसंद आया। अगर नहीं पसंद आता आप नेक्स्ट टाइम कमेंट करके बता सकते हो कि हमको कौन सा लोकेशन कवर करना चाहिए जो आपका फेवरेट है, हम लोग वो डेफिनेटली कवर करेंगे। यस एंड दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।